रुके ना देख, रुक रुक के ना देख, रुक रुक के। अभी डाउनलोड करें ताक ऐप। नमस्कार, शाम के 7 बजने को हैं, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। वक्त है देश तक का और हम कोरोना समेत तमाम बड़े खबरों को आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री के उस बयान से जिसे उन्होंने कुछ ही देर पहले आज तक के ई एजेंडा के मंच से दिया है। अरविंद केजरीवाल ने केंद्र से मांग की है कि केंद्र पूरी दिल्ली को रेड जोन में नहीं रखे। जिस इलाके में मरीज मिले हैं सिर्फ उसे ही सील किया जाए, दूसरी जगहों को इससे फ्री रखा जाए। ये बड़ी मांग दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से की गई है केंद्र सरकार से। जहां पर मरीज हो सिर्फ वही इलाका सील हो, बाकी क्षेत्र को इससे मुक्त रखा जाए। क्या कुछ कहा गया है दिल्ली के सीएम की ओर से, सुनिए। अनफॉर्चुनेटली हमें पूरा इन्होंने रेड घोषित कर दिया। मुझे ये उम्मीद थी कि केवल कंटेनमेंट जोन्स को रेड किया जाएगा, बाकी दिल्ली को खोल दिया जाएगा। मैं केंद्र सरकार से बातचीत कर रहा हूँ कि जी बाकी दिल्ली को अब खोल दीजिए, दिल्ली खुलने के लिए अब तैयार है, हम सब लोग तैयार हैं। केवल कंटेनमेंट जोन्स को, आज 97 कंटेनमेंट जोन्स हैं दिल्ली के अंदर, अगर वो अपनी कंडीशंस और सख्त करके 97 के 200 कंटेनमेंट जोन कर लो, 250 कंटेनमेंट जोन कर लो, बाकी दिल्ली को तो खोल दीजिए, बाकी अर्थव्यवस्था को तो खोल दीजिए कम से कम दिल्ली की। इस वाला जो ये डिस्ट्रिक्ट वाला जो अभी कल ऑर्डर आया है, इस पे मेरा थोड़ा सा मतभेद है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इन्होंने कहा कि अगर किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर 15 केस हैं तो वो डिस्ट्रिक्ट रेड जोन है। अब एक डिस्ट्रिक्ट में मान लीजिए 50 गांव हैं, एक गांव के अंदर 40 केस आ गए, अब बाकी सारे गांव को रेड क्यों कर दिया हम लोगों ने? उनकी तो अर्थव्यवस्था खराब हो गई, उनकी तो सारी एक्टिविटीज बंद हो गई। अगर हम जहां पे वो गांव था उस गांव को ही अगर हम सील कर देते, जैसे आज हमारी एक बिल्डिंग में, कापसहेड़ा में एक बिल्डिंग में 41 केस निकले हैं, उस बिल्डिंग को सील कर देते हैं ना, उस बेसिस पे पूरी डिस्ट्रिक्ट को सील करने का मुझे लगता है कि वो निर्णय थोड़ा सही नहीं है, जिसको और सोच विचार करने की जरूरत है। ये बेहद महत्वपूर्ण बयान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का। उन्होंने कहा है कि एक हिस्से आपकी गलती की कीमत या फिर खामियाजा पूरे के पूरे जिले को उठाना क्यों पड़े। इसी वजह से जहां पर मामले सामने आए हैं सिर्फ उन्हें ही सील करके रखा जाए, बाकी इलाकों को छोड़ा जाए, क्योंकि अर्थव्यवस्था को खोलने का अब वक्त आ चला है। ये महत्वपूर्ण बातें उनकी ओर से कही गई है। फिलहाल आगे बढ़ते हुए कोरोना के ताजे आंकड़े अब तक के क्या निकलकर सामने आए हैं देश भर से, उसके बारे में हम आपको जानकारी दे देते हैं, क्योंकि पूरे देश को इसी का इंतजार है कि आखिर देश में, हिंदुस्तान में इस वक्त स्थिति कैसी बनी हुई है। देश में कोरोना से अब तक देखिए 37,776 केस सामने आ चुके हैं। ये बड़ा अपडेट जो इस वक्त आप देख रहे हैं, 26,535 लोग कोरोना से अब तक बीमार हैं, जबकि 1,223 मरीजों की जान गई है, 1,223 मरीजों की मौत हुई है। कोरोना से अब तक 10,017 मरीज ठीक भी हुए हैं। ये आंकड़ा उम्मीदें पैदा करने वाला है। वहीं 26,535 देश भर में कोरोना से अब तक बीमारों का बड़ा आंकड़ा। और अब एक नजर देश के उन राज्यों पर डाल लेते हैं जहां पर कोरोना के केस इस वक्त सबसे ज्यादा हैं। उसमें पहले नंबर पर सबसे महत्वपूर्ण राज्य आ जाता है महाराष्ट्र। उसका आंकड़ा आपके सामने है, 11,506 संक्रमित मरीज, अब तक 485 लोगों की जान चली गई है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र लगातार जूझ रहा है, लेकिन वहां पर न संक्रमितों की तादाद घटने का नाम ले रही है और न ही अब लोगों की मौत जिस तरह से वहां पर हो रही है वो भी परेशानी का सबब उद्धव सरकार के लिए। गुजरात में 4,721 संक्रमित मामले सामने आए हैं, 236 लोगों की मौत हुई है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल थे, उनकी ओर से महत्वपूर्ण जानकारी भी दी गई। आगे बढ़ते हुए राजधानी दिल्ली, 3,738 संक्रमित केस यहां से सामने आए हैं, 61 लोगों की मौत हुई है दिल्ली में। जबकि बात करें राजस्थान की, 2,666 संक्रमित हैं, 52 लोगों की मौत हुई है राजस्थान में। अलग अलग हिस्सों में वहां पर कुछ ऐसे एरिया हैं जहां पर सबसे ज्यादा प्रभावित स्थिति मध्य प्रदेश में, जैसा कि पहले से आपको जानकारी दे रहे हैं। इंदौर 2,719 कुल संक्रमितों का आंकड़ा मध्य प्रदेश का है, जबकि मरने वालों की वहां पर तादाद अब ज्यादा है। उत्तर प्रदेश 2,328 केस यूपी से सामने आए हैं, तमिलनाडु में 2,526 संक्रमित, 28 लोगों की मौत हुई है। आंध्र प्रदेश में 1,463 संक्रमित है, 33 लोगों की मौत हुई है। तो ये अलग अलग आंकड़े आपको हम दिखा रहे हैं राज्य के हिसाब से जो सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य हैं, उनमें एक तेलंगाना भी है। 1,039 मामले संक्रमित, अब तक 26 लोगों की जान गई है तेलंगाना में। तो इस तरह से हमने आपको दिखाया कि आखिर इस वक्त कैसी स्थिति बनी हुई है देश के अलग अलग राज्यों में। और अब आगे बढ़ते हुए आपको दिखा देते हैं कैसे
कोरोना भारत में लगातार बढ़ता जा रहा है। एक ही दिन में भारत में कोरोना के 2,283 नए मामले सामने आए हैं, जो अब तक का सबसे बड़ा उछाल है। दुनिया भर में आपको हम दिखा रहे हैं कि दुनिया भर का आंकड़ा क्या कहता है, जबकि हिंदुस्तान में स्थिति क्या है। एक दिन में भारत में सबसे ज्यादा मरीज 2,283 सामने आए हैं। ये देखिए, ये एक दिन में भारत में सबसे ज्यादा मरीज सामने आए हैं, 2,283। टेस्टिंग की रफ्तार जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे मामले बढ़ते हुए चले जाएंगे, जैसा कि पहले ही कहा जा रहा था। लेकिन ये आंकड़े यकीनन परेशान करने वाले हैं हिंदुस्तान के लिहाज से, जबकि दुनिया भर में देखिए एक दिन में 86,931 मामले सामने आए हैं। ये दुनिया का बड़ा आंकड़ा है और ये हिंदुस्तान का है। इस आंकड़े को कम किए जाने की जरूरत है, लेकिन फिलहाल कोविड 19 का ट्रैकर ये बता रहा है कि हालात को काबू में करने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा। उधर भारत ही नहीं, दुनिया में भी कोरोना से और ज्यादा हाहाकार मचा हुआ है। दुनिया में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 2,40,000 से ज्यादा हो चुका है। 2,40,000 के आंकड़े को पार कर चुका है। यहां पर हम आपको तारीखों के हिसाब से बता रहे हैं कि स्थिति आज 2 मई की क्या बनी हुई है। 2,40,353 लोगों की जान अब तक जा चुकी है, जबकि 31 जनवरी का भी आंकड़ा आपके सामने है और उसके बाद मामले कैसे बढ़ते हुए चले गए वो भी आंकड़े आपके सामने हैं, जो बताते हैं कि कोरोना से कैसे दुनिया भर के अलग अलग देश बेबस हैं, जिसमें सबसे ज्यादा परेशान अमेरिका, इटली, फ्रांस, स्पेन, ये तमाम वो मुल्क हैं जो सबसे ज्यादा परेशानी का सामना कर रहे हैं। उधर राजधानी दिल्ली में कोरोना का संक्रमण रफ्तार पकड़े हुए है। अभी तक 3700 से ज्यादा लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। आज दिल्ली में एक ही बिल्डिंग से 41 कोरोना संक्रमित मिलने से हड़कंप मच गया। पिछले 24 घंटे में 200 से ज्यादा लोग सिर्फ दिल्ली में ही संक्रमण के शिकार हो गए हैं। देखिए, ये राजधानी दिल्ली के गाजीपुर मंडी की तस्वीरें हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का नामो निशान नहीं। जिस शहर में 3,700 से ज्यादा लोग कोरोना से बीमार हो चुके हैं, क्या वहां ऐसी लापरवाही की तस्वीर की कोई गुंजाइश होनी चाहिए? दिल्ली की गाजीपुर मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां जो है वो उड़ती हुई साफ तौर पर नजर आ रही हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं गाजीपुर मंडी में, आपको दिखाना चाहेंगे किस तरीके से तमाम दुकानों पर जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना चाहिए उसकी यहाँ पर धज्जियां उड़ती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 223 नए मरीज संक्रमण के शिकार हुए। कोरोना के बढ़ते चक्र का सबूत राजधानी के हॉटस्पॉट इलाकों से लगातार सामने आ रहा है। दिल्ली के तुगलकाबाद एक्सटेंशन में तमाम पाबंदियों के बीच आज 15 नए मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव निकल आई। वहीं कापासेड़ा इलाके में एक ही बिल्डिंग के 41 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। दिल्ली के कापासहेड़ा से बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक बिल्डिंग में 41 लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। 18 अप्रैल को यहाँ पर एक शख्स को कोरोना हुआ था। कोरोना वॉरियर्स की बात करें तो दिल्ली में सीआरपीएफ के 12 जवान पॉजिटिव पाए गए। अब संक्रमित सीआरपीएफ जवानों का आंकड़ा बढ़कर 122 तक पहुँच गया है। वहीं दिल्ली पुलिस में भी वायरस के संक्रमण का चक्र बढ़कर 54 तक पहुँच गया है। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की बात की जाए तो मरकज की जांच में जो क्राइम ब्रांच के जवान तैनात थे वो लगातार जांच में शामिल थे, उसमें भी 4 जो जवान हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दिल्ली सरकार के कैट्स एम्बुलेंस के कंट्रोल रूम में कोरोना का कंट्रोल फेल होता दिखा। 60 कर्मचारियों में से 15 कोरोना से संक्रमित पाए गए। अभी 45 और कर्मचारियों की रिपोर्ट का इंतजार है। दिल्ली सरकार ने टेस्ट में तेजी लाने के लिए कोरोना रैपिड टेस्टिंग मोबाइल क्लिनिक को लॉन्च किया है। इस मेडिकल बस सेवा का लक्ष्य कोरोना प्रभावित इलाकों में टेस्टिंग का दायरा बढ़ाना है। दरअसल इस कोरोना रैपिड टेस्टिंग मोबाइल क्लिनिक के कई फायदे हैं। जो भी शख्स यहां पर आएगा इस बस में, उसका सबसे पहले टेस्ट किया जाएगा और अगर ये पता चल सकेगा कि उसको कोरोना है या नहीं है, और अगर हुआ तो उसको तुरंत अस्पताल में शिफ्ट किया जाएगा। कोरोना को रोकने का सबसे कारगर हथियार टेस्टिंग है। टेस्ट से ही संक्रमित मरीजों की पहचान सुनिश्चित होगी और इससे संक्रमण का चक्र टूटेगा, यानी आगे बढ़कर टेस्ट कराएं और कोरोना को मात दें। सुशांत मेहरा, चिराग गोठी और पंकज जैन के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। और अब आपको आज तक की ई एजेंडा के मंच पर आए उन मुख्यमंत्रियों का बयान सुनाते हैं जिन्होंने कोरोना के फैलाव के लिए तबलीगी जमात के लोगों पर ठीकरा फोड़ा। तबलीगी जमात का जो कार्य था वह सचमुच बड़ा ही अशोभनीय था।
देखिए, बीमारी होना एक विषय है, बीमारी होगा वो अपराध नहीं, लेकिन बीमारी होने के बाद ऐसी बीमारी को जो संक्रामक हो उसको छुपाना, ये अपने आप में एक अपराध है, और ये अपराध तबलीगी जमात से जुड़े हुए लोगों ने किया है। आज उत्तर प्रदेश में या देश में जहां कहीं भी कोरोना का स्प्रेड देखने को मिला है, इसके पीछे तबलीगी जमात है। अगर उन्होंने इस बीमारी को छुपाया नहीं होता और इसके कैरियर बनकर के वे जगह जगह नहीं चले होते, तो संभवतः हम लोग लॉकडाउन के प्रथम चरण में ही कोरोना को काफी हद तक नियंत्रित कर चुके होते। भोपाल में जमात के लोग आए 107 लोग, और वो अलग अलग जगह गए। यहाँ भोपाल में भी उनमें से कई पॉजिटिव निकले, उनके कारण भोपाल पॉजिटिव हुआ, फिर यहाँ से वो रायसेन गए, रायसेन पॉजिटिव हो गया, उनमें से कुछ विदिशा निकल गए, विदिशा पॉजिटिव हो गया, बासौदा गए वहाँ पॉजिटिव हो गया, लटेरी सिरोंज गए वहाँ पॉजिटिव हो गया। अगर आप देखेंगे खंडवा में, खरगोन में, उज्जैन में, आसपास के इलाकों में, इसमें तबलीगी जमात के लोगों का बड़ा हाथ है और इस कारण संक्रमण फैला। अब सबको ये ध्यान रखना चाहिए था कि एक ऐसी बीमारी छुपाने की जरूरत क्या थी। अहमदाबाद में भी ये जो तबलीग जमात के लोगों ने यहाँ बेरोकटोक मरकज के लोगों ने यहाँ काफी अहमदाबाद और सूरत में उन लोगों ने भ्रमण किया, अपनी ट्रैवल हिस्ट्री भी छुपाई और दूसरों को खुलेआम मिलते गए। हमको जब निजामुद्दीन मरकज से खबर मिली थी, वहां पर जो एजेंसी से हमको खबर मिली थी कि 126 लोग जमात से जुड़े हुए लोग उत्तराखंड से थे, तो जब हमने उस पर कार्यवाही की तो ये 1435 लोग निकले, 1435 जी, और ये 1435 में से लगभग 300 के आसपास ये अन्य राज्यों में गए उत्तराखंड के जो लोग थे, और बाकी सभी लोगों को हमने एक एक को चुन चुन कर और पकड़ लिया, चिन्हित कर लिया, उनमें अगर संक्रमण था तो उनको अस्पतालों में भर्ती किया। अलग अलग राज्यों के इन मुख्यमंत्रियों की अगर माने तो तबलीगी जमात के लोगों ने अगर साथ दिया होता तो हालात शायद इतने ज्यादा खराब नहीं होते। वहीं नोटिस पर नोटिस के बाद भी तबलीगी जमात का मुखिया मौलाना साद कोई ठोस जवाब नहीं दे रहा है। लॉकडाउन में भी साद दिल्ली की गलियों में गुम है लेकिन सामने नहीं आ रहा। क्राइम ब्रांच ने 2 रोज पहले ही साद को नोटिस भेजकर पूछा था कि साद ने सरकारी अस्पताल में कोरोना टेस्ट कराया है या नहीं, अगर टेस्ट कराया है तो उसकी रिपोर्ट कहां है, मगर उसकी तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। सूत्रों के मुताबिक क्राइम ब्रांच साद को 5वां नोटिस भेजने की तैयारी में है। मौलाना साद को नोटिस पर नोटिस, अब 5वें नोटिस का वो जवाब किस रूप में देता है ये देखना रहेगा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। लेकिन सवाल यही है कि अगर वो दिल्ली की गलियों में गुम है तो आखिर उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है जब वो इतना बड़ा गुनहगार है। तो मौलाना साद पर केजरीवाल ने क्या कुछ कहा है ये आपको बताएंगे, लेकिन नोटिस पर साद का कुछ पता नहीं है। अब तक टेस्ट रिपोर्ट नहीं सौंपने पर एक बार फिर से नोटिस उसको भेजा जाएगा। सरकारी अस्पताल में क्या उसने कोरोना का टेस्ट करवाया है, क्योंकि उसकी ओर से जानकारी यही दी गई थी कि उसकी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है, बट वो रिपोर्ट है कहां ये अपने आप में बड़ा सवाल है। वही मौलाना साद पर अरविंद केजरीवाल से आज तक के मंच पर जब सवाल पूछा गया तो उनकी ओर से क्या जवाब मिला है सुनिए। मुझे क्रिमिनल केस है, पुलिस डील कर रही है, तो केस की बारीकियों के बारे में और केस की डिटेल्स के बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं है, वो आपको पुलिस से, दिल्ली पुलिस से या केंद्र सरकार से पूछना पड़ेगा। उधर लॉकडाउन के बीच दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों के लिए ट्रेनों का चलना शुरू हो गया है। आज जयपुर से मजदूरों को लेकर चली ट्रेन पटना पहुंची, इसमें करीब 1200 मजदूर सवार थे। देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी कई ट्रेनें रवाना की गई हैं। मुफलिसी और भुखमरी की कगार पर पहुंचा मजदूरों का जत्था वापस अपनी जमीन पर लौटने लगा है, और इसी के साथ घर से दूर लंबा और थका देने वाला बुरा दौर भी बीत गया। पटना के पास दानापुर रेलवे स्टेशन में दोपहर करीब 2 बजे ट्रेन की पहली झलक दिखी। इस ट्रेन पर 1187 प्रवासी मजदूर सवार थे।
पिछले कई हफ्तों से जयपुर में फंसे हुए थे और आज पहली ट्रेन उन प्रवासी मजदूरों को लेकर पटना पहुंच चुकी है। इस वक्त हम दानापुर रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं और आपको दिखाएं, ये श्रमिक एक्सप्रेस है, ये एक स्पेशल ट्रेन है जो कल ही जयपुर से खुली थी और पटना पहुंच चुकी है। स्टेशन पर सरकारी अमला पहले से इंतजार कर रहा था। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते तमाम मजदूरों को पास के रेल स्कूल में ले जाया गया, जहां वो पहले स्क्रीनिंग से गुजरेंगे। यहां से तमाम मजदूर अपने अपने गृह जिले के लिए भेजे जाएंगे, लेकिन किसी को अगले 21 दिन तक घर जाने की इजाजत नहीं होगी। प्रशासन ने काफी पुख्ता इंतजाम किए हैं ताकि जो मजदूर आए उनकी प्रॉपर मेडिकल स्क्रीनिंग हो जाए और मेडिकल स्क्रीनिंग करके इनको पर्याप्त मात्रा में बसेस को लिया गया है और इन सभी बसेस को उनके रेस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में भेजा जाएगा और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से ये अपने अपने प्रखंडों में जाएंगे, ब्लॉक्स में जाएंगे और ब्लॉक्स में इनको 21 दिन क्वारंटाइन में रखा जाएगा। केंद्र सरकार के फैसले के बाद देश के कई हिस्सों से स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। महाराष्ट्र के नासिक से 839 मजदूरों के साथ एक ट्रेन लखनऊ के लिए रवाना किया गया है। नासिक से भोपाल भी मजदूरों का जत्था पहुंचा है। राजस्थान के कोटा से एक ट्रेन रवाना किया गया है। केरल के अलुआ से भुवनेश्वर के लिए ट्रेन निकल चुकी है। वहीं तेलंगाना से मजदूरों को लेकर निकली ट्रेन रांची पहुंच गई है। सूरत से आज 3 स्पेशल ट्रेन मजदूरों को लेकर उत्तर प्रदेश और ओडिशा के लिए रवाना होगी। वहीं दक्षिण से भी 5 स्पेशल ट्रेन मजदूरों को साथ लेकर निकल गई है। सरकार और भी ट्रेन चलाने की तैयारी कर रही है। घर से दूर, बेरोजगारी और दूसरों की मदद पर जी रहे मजदूरों के लिए ट्रेनों का चलना बड़ी राहत है। कामकाज और कमाई बंद होने के चलते इनके पास अपने घरों के लिए वापस लौटने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था, लिहाजा शर्तों के साथ ही सही, लेकिन अब वो अपने घर लौट सकते हैं। पटना से रोहित सिंह और भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। घर वापसी को लेकर एक अलग तरह की बेचैनी थी मजदूरों की आंखों में, उम्मीद यही कि उन्हें राहत मिली होगी, लेकिन घर पहुंचने के साथ ही रोजगार को लेकर अब एक अलग दिशा में चिंता उनकी बढ़ेगी। वहीं आगे बढ़ते हुए अब आपको दिखाते हैं इंदौर से आई एक हैरान करने वाली तस्वीर। इंदौर में लोगों की हद को पार कर खुद की जान तपती गर्मी में डालने वाला एक वीडियो सामने आया है, जिसमें सीमेंट कंक्रीट के मिक्सर में बैठकर तकरीबन 18 लोग अपनी जान की परवाह किए बगैर खुद को मौत के मिक्सर में डाले बैठे हैं। तस्वीरें शहर के एक चेकिंग पॉइंट की हैं, जहां 18 लोग महाराष्ट्र से यूपी के लखनऊ जा रहे थे, उन्हें वहां पकड़ा गया है। जैसा कि तस्वीरों में आप देख रहे हैं, पलायन करने वाले सभी 18 लोगों को क्वारंटीन सेंटर पहुंचाया गया है। एक करके सभी को कैसे बाहर निकाला गया, सीमेंट मिक्सर है ये जिसमें से इन तमाम मजदूरों को बाहर निकाला गया, एक से दूसरी जगह इसके जरिए जाने की कोशिश कर रहे थे। उधर कोरोना संक्रमण के बढ़ते केस के बीच महाराष्ट्र से चिंता बढ़ाने वाली खबर आई है। यह पालघर मॉब लिंचिंग केस में शामिल एक आरोपी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इस आरोपी की पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद वाड़ा थाने के 43 लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया है। इन तस्वीरों ने पूरे देश को दहला दिया था। गुजरात जा रहे साधुओं को महाराष्ट्र के पालघर में अफवाह के चलते लोगों ने पीट पीट कर मार डाला था। तब पूरे देश में साधुओं की हत्या पर गम और गुस्सा दोनों थे, मगर इन्हीं तस्वीरों से जुड़ी एक और परेशान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। साधुओं पर हमला करने वाली इस भीड़ से पुलिस ने 115 लोगों को गिरफ्तार किया है, मगर इन 115 लोगों में से एक आरोपी कोरोना पॉजिटिव निकाला। 28 अप्रैल को वाड़ा पुलिस थाने में बंद 55 साल के आरोपी का स्वैब टेस्ट किया गया। पहली रिपोर्ट निगेटिव आई, लेकिन दूसरी रिपोर्ट में आरोपी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। जैसे ही लिंचिंग के आरोपी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव निकली, हड़कंप मच गया, क्योंकि आरोपी 43 लोगों के संपर्क में आया था। 43 लोगों में से 23 वाड़ा थाने के पुलिसकर्मी हैं। सभी 43 लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया है। 23 पुलिसकर्मियों समेत 43 लोगों को क्वारंटीन करके उनके स्वास्थ्य पर नजर रखी जा रही है, मगर परेशानी की बात यह है कि दिव्य वाकीपाड़ा का रहने वाला ये आरोपी एसिम्प्टोमेटिक था, यानी इसमें कोरोना के कोई लक्षण मौजूद नहीं थे। आपको बता दें कि महाराष्ट्र कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित है। अकेले पालघर में ही 170 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं।
गोपालघर में कोरोना से 10 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। ऐसे हालात में लिंचिंग के आरोपी के संक्रमित मिलने से प्रशासन की नींद उड़ी हुई है। साहिल जोशी, मुंबई। और अब खबर जालंधर से देते हैं। अभी पंजाब के पटियाला में पुलिसवालों पर हमले को 10 ही दिन बीते हैं कि आज एक नया मामला सामने आ गया है। जालंधर में एक युवक गाड़ी की बोनट पलट के पुलिस वाले को घसीटते हुए काफी दूर तक ले गया। ये घटना लॉकडाउन का पालन कराने के दौरान घटी है। देखिए, एक बिगड़ैल लड़के की करतूत हर किसी को हैरान कर गई। कार की बोनट पर एक पुलिसकर्मी लटका हुआ दिखा। बोनट से लटका पुलिसकर्मी अपनी जिंदगी बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था और कार चला रहा शख्स गाड़ी रोकने की जगह भगाने की फिराक में था। ड्राइवर की करतूत देखकर आसपास के लोग दौड़े, पुलिस वाले भागे, हो हल्ला मचा तो एसआई को अपनी कार की बोनट पर करीब 50 मीटर तक घसीटने के बाद आरोपी ने कार रोक दी। फौरन ही उसे काबू में कर लिया गया। नाराज पुलिस वालों ने मौके पर ही आरोपी को 2-4 थप्पड़ भी लगा दिया। कार जब्त कर ली गई। दरअसल लॉकडाउन का पालन करा रही पुलिस टीम ने शहर के मिल्क बार चौक पर काली रंग की अर्टिगा कार को रोकने का इशारा किया। युवक ने कार रोकने की जगह रफ्तार बढ़ा दी और नाके से निकल भागने की कोशिश की। पास खड़े एसआई ने मौका देखकर कार की बोनट पर छलांग लगा दी, लेकिन इसके बावजूद कार सवार नहीं रुका। पुलिस ने आरोपी के साथ ही उसके पिता को भी नामजद किया है। पिता पर कर्फ्यू के दौरान बेटे को कार देने का केस दर्ज किया गया। अभी 10 दिन पहले ही पंजाब के पटियाला में भी लॉकडाउन का पालन करा रही पुलिस पर जानलेवा हमला किया गया था और अब एक और वारदात। परमजीत रंगपुरी के साथ मंजीत सहगल, जालंधर आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।